अभी खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी कायद नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ गद्दारी के मुकदमे में हिफाजती जमानत 10 अक्टूबर तक के लिए मंजूर कर ली है। जस्टिस अज़द जावेद घराल ने लाहौर हाई कोर्ट में कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर की जानिब से दायर हिफाजती दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने दरख्वास्त में मौकफ इख्तियार किया कि उनके खिलाफ गुजरावाला पुलिस ने बगावत का मुकदमा दर्ज किया है, जिसका मकसद उन्हें सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाना है। कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने कहा है कि वो शामिल तफ्तीश होना चाहते हैं। इस्तदआ है कि अदालत उनकी हिफाजती जमानत मंजूर करे। अदालत ने कैप्टन रिटायर्ड सफदर की जमानत मंजूर करते हुए उन्हें शामिल तफ्तीश होने का हुक्म भी दिया।